अपने समय को निकालो और इस फिल्म को देखो, देखो उस सच को, सच के साथ साक्षात्कार करना होगा। द कश्मीर फाइल्स को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही थी, वही इसी बीच आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोहर लगा दी है। इस फिल्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोहर लगाई है और इस फिल्म की सराहना भी की है। बता दें, जहां इस फिल्म को लेकर के कई तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज की गई, इस फिल्म को प्रमोट ना करने देने को लेकर के कई तरह की बातें बनी, तो वहीं कई लोगों ने यह पहले भी कहा था कि इस फिल्म को प्रमोशन की जरूरत नहीं है और ठीक वैसा ही होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म को किसी भी तरह से प्रमोट नहीं किया गया और फिर भी इस फिल्म ने आग लगा कर रख दी है। यह एक ऐसा फिल्म है जिसे देखने के बाद सिनेमाघरों में बैठे लोग अपनी सीट पर से उठे तक नहीं और पूरे सिनेमाघर में सन्नाटा छा गया। इतना ही नहीं, भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगते रहे। बता दें कि इस फिल्म को जहां प्रमोट नहीं होने दिया गया, वहीं इस फिल्म के प्रमोशन के लिए ना किसी स्टार कास्ट का यूज किया गया और ना ही इसे बड़े पर्दे पर लाने के लिए काफी सारे स्क्रीन्स दिए गए। बता दें कि सिर्फ 153 प्लेटफॉर्म ही इस फिल्म को दिए गए थे। इन सभी मुश्किलों के बावजूद भी इसने इतिहास रच दिया है। इस फिल्म को प्रमोट ना होने देने को लेकर के जितना इस फिल्म को दबाने की कोशिश की गई, उतना ही यह फिल्म बड़े पर्दे पर आने के बाद शोर मचाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म ने सभी दर्शकों के दिल में एक अलग से जगह बना ली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की सराहना की है। हर भारतीय इस फिल्म को देखने के लिए बेताब है, बेसब्री से इस फिल्म को देखने के लिए परेशान है। बता दें कि दर्शक भारत माता की जय कहते नजर आ रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विवेक अग्निहोत्री को इस फिल्म को लेकर के खुद सराहना देते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक ने खुद मोदी जी के साथ ये तस्वीरें पोस्ट की और बताया कि हमें काफी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे मिले और इस फिल्म की सराहना की। विवेक अग्निहोत्री ने भले इस फिल्म को लेकर कई परेशानियों को झेला, लेकिन इसी फिल्म ने विवेक अग्निहोत्री के लिए दर्शकों के दिल में जगह बना दी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि साध्वी रितंबारा इसे लेकर के काफी भावुक तरीके से यह बोलती नजर आई कि इस फिल्म को जाकर के जरूर देखें, कश्मीर में जो किया गया उसे जाकर के जरूर देखें और मैं ये हर भारतीय से कहना चाहती हूँ कि एक बार इस फिल्म को जरूर देखें। परम शक्ति जैसे पीठ की फाउंडर साध्वी रितंबारा ने भी इसे लेकर के लोगों से अपील की है। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप इस मूवी को देखने के लिए कब जा रहे हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सच तक न्यूज के लिए ज्योति सिन्हा की रिपोर्ट।